हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आपका एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश की मृदा, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम अभी तक हम लोगों ने देखा, जितने भी लेक्चर्स रहे हैं, तो पुराने वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो कि आज हम स्टार्ट करें सॉइल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आखिर सॉइल क्या है। देखिए, नॉर्मली जो हम इन जनरल अगर हम समझे तो धरातल की ऊपरी परत, जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसकी ऊपरी लेयर जो पेड़ पौधों को उगने के लिए और उनको बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती है, ठीक है, उसे हम मिट्टी बोलते हैं। ठीक, एक अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बेनेट, उन्होंने बताया कि सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड वेजिटेशन। उनका यह कहना है कि जो पेरेंट रॉक और वेजिटेशन है, ठीक है, उन जो हमारे अर्थ की सरफेस पर पाई जाती है, अपर लेयर जो होती है, उसी को इन्होंने क्या बताया, सॉइल बताया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वेयर इन सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो। जैसा कि अभी हमने पहले ही बात करी कि ये वो अपर लेयर है हमारे अर्थ सर्फेस की जो कि पेरेंट रॉक और ऑर्गेनिक मैटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, साथ ही साथ एक सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड कराती है जहां पर डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, वो ग्रो होती हैं। ठीक है, जो मृदा होती है सॉइल, वो चट्टान और जीवाश्मों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इन चट्टान और जीवाश्मों का जो फॉर्मेशन, जैसे हमें पता है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो जीवाश्म जीवों के अवशेष जो लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व मिट्टी में किसी न किसी कारण से दब कर रह गए और वो उनमें ऑर्गेनिक प्रोसेस होती गई और केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू वो सॉइल में कन्वर्ट होते गए। रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेदरिंग इफेक्ट के कारण वो टूटते गए और जीवाश्म जो है उसी में दबते चले गए। तो इस तरीके से जो सॉइल होती है उसमें आपका चट्टान और जीवाश्म दोनों ही पाए जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल है, हमने देखा है उसमें बहुत सारे फैक्टर, जैसे अभी हमने बात करी कि एक तो पेरेंट रॉक हुआ, टोपोग्राफी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक्स और प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू उनके जो अवशेष होते हैं उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और सॉइल के फॉर्मेशन के लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इसमें जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम सॉइल की प्रोफाइल के बारे में हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल जो होता है इसे हम अलग अलग सेगमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे सिंपल 3 मार्कर में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पूछता है तो आप बताएंगे कि सॉइल प्रोफाइल इज द सिक्वेंस कलर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द होराइजन्स यानी कि लेयर सुपर इम्पोज्ड वन अबव द अदर एंड एक्सपोज्ड इन अ पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल। जो सॉइल प्रोफाइल है वो क्या है, एक सीक्वेंस है, कलर है, टेक्सचर है, किसका, एक लेयर्स का, इसमें जिसे हम चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका ह्यूमस और ऑर्गेनिक टॉप सॉइल, दूसरा जो है आपका एक ये जो पार्ट है उसे हम अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं जो टॉप सॉइल का पार्ट है, सेकेंड लेयर होती है जिसे हम सब सॉइल बोलते हैं, सी वाला जो पार्ट है वो वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल यानी कि वो जो मिट्टी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक, किस तरीके के पत्थरों से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसका जिस पर वेदरिंग इफेक्ट हुआ है, लास्ट है जो बेड रॉक या पेरेंट रॉक। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आप इसे इस इमेज में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसमें डिजाइन किया गया जिससे आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो ये सॉइल प्रोफाइल क्या है, सीक्वेंस ऑफ कलर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ होराइजन्स। अब अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 5 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में बेसिकली 3 हैं, इन्हीं 3 को हम फर्दर और डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला है तो काली मिट्टी है, दूसरा है लाल और पीली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, और इनके कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारी मिट्टियों का फॉर्मेशन मध्य प्रदेश में होता है। तो आप ये मैप में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सॉइल प्रोफाइल किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सॉइल का जो डिवीजन है आप देख रहे हैं, जलोढ़
मिट्टी भी पाई जाती है जिसे हम एलोवियल सॉइल बोलते हैं। पीले कलर से मिक्स सॉइल को रिप्रेजेंट किया गया है, ऑरेंज कलर में आपका रेड सॉइल को, लाल पीली मिट्टी को, लेटराइट सॉइल बिल्कुल छोटे से भाग में आप दक्षिण में देख रहे हैं बालाघाट वाले रीजन्स में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर जो बाकी जो रीजन है उसमें आपका पूरा का पूरा क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। जिसमें काली मिट्टी को भी हमने तीन भाग में डिवाइड किया है, नर्मदा सोन वैली वाले रीजन में गहरी काली मिट्टी है, उसके दक्षिण में छिछली काली मिट्टी, और मालवा के पठार वाले पूरे क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो एक एक करके दोस्तों हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में मृदा। तो जो सबसे पहला है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल कहे जाने के पीछे की वजह जो है, इसमें कॉटन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम काली मिट्टी को कॉटन मिट्टी भी या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये काले रंग की होती है जिसमें लोहा और चूना यानी कि लाइम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इसी की प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो काला होता है, ठीक है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं तो जो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं, बेसाल्ट रॉक्स के पर वेदरिंग इफेक्ट जब होता है, मौसम की जो गतिविधियां होती हैं जैसे धूप पड़ने से, पानी पड़ने से या ठंड पड़ने से, जो मिट्टी की जो अपर लेयर होती है उसमें जो इरोजन होता है, उससे उसके उसमें जो लोहे के कण पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो बेसाल्ट रॉक्स के रिदक्षरण होने पर लोहे के कणों का ऑक्सीडेशन होता है और उससे मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, और लगातार कई केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद इसमें क्ले यानी कि मृतिका के एकत्रण से मिट्टी का रंग काला हो जाता है। यानी कि जो मिट्टी है वो पहले क्या हुआ, इस पर वेदरिंग इफेक्ट हुआ, बेसाल्ट रॉक्स पर वेदरिंग इफेक्ट से उसमें लोहे के कणों का ऑक्सीडेशन, तो कलर लाल हुआ, और वही फर्दर जाकर केमिकल प्रोसेस से किसमें काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। काली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जल धारण क्षमता यानी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जब इससे पानी सूख जाता है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जिससे ये लगता है कि जो खेत मिट्टी है अपने आप जूती हुई खेत की जैसे दिखाई देती है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जिसके सूखने पर उसे जूते हुए खेत की जैसे दिखाई देती है, तो ध्यान रखेंगे काली मिट्टी को ही इस तरह से बोला जाता है, यानी काली मिट्टी में सूखने पर क्रैक्स बनते हैं, ठीक है। इसमें पोटास है, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी एल्कलाइन नेचर की होती है, और मैंने पहले ही बताया कि कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, कपास के अलावा गेहूं और सोयाबीन की उत्पादन क्षमता भी इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही हमने डिवाइड किया क्या गहरी काली मिट्टी में, तो गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो नर्मदा घाटी और आसपास का जो मालवा सतपुड़ा के पठार वाले क्षेत्र हैं, वहां लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि में ये गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.5% है। और ये मिट्टी गेहूं, तिलहन, आपका चना और ज्वार, इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्ले की मात्रा 20-60% तक पाई जाती है, यानी कि काली इसमें क्ले जो होता है 20-60% अवेलेबल होता है। फिर साधारण गहरी काली मिट्टी, तो इसमें मध्य प्रदेश का अधिकतम भाग आता है, जिसमें मालवा का पठार है, पूर्वा उत्तरी भाग है, और निमाड़ का जो क्षेत्र है खरगोन खंडवा, ठीक है, जहां पर कपास की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता, कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सारे क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हैं। और राज्य के लगभग 53% एरिया में साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और क्योंकि मैंने बताया इसमें वाटर रिटेंशन भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं महसूस होती है। फिर तीसरा जो भाग है छिछली काली मिट्टी, ये छिछली काली मिट्टी का जो क्षेत्र है सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतर मिट्टी का जो आवरण है वो छिछला है। यह भाग छिंदवाड़ा, सिवनी तथा आपका बैतूल जिले में पड़ता है, ठीक है। तो छिछली काली मिट्टी आपका इस ये मिट्टी का जो प्रदेश है ये लगभग 7.1%
ठीक है, आप 7.5% के आसपास मान सकते हैं। राज्य का 7.5% जो क्षेत्र है वो छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें गेहूं और चावल पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। यही वजह है जैसे बालाघाट में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, यहाँ जो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा बालाघाट वाले क्षेत्र में आप लैटेराइट मिट्टी भी देखने के लिए पाते हैं, ठीक है। छिछली काली मिट्टी में आपका कपास, ज्वार, तिलहन और दालें, ये भी बहुत अधिक मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। और अगला जो टाइप है उसमें है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है आपका मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, विशेष करके आपका जो बघेलखंड का पठार है, ठीक है, इसमें लाल मिट्टी पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। जो मिट्टी लाल है वही उसी में से जब मॉइस्चर निकल जाता है तो उसी मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। ये आपका बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, डिंडोरी, इन जिलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जिसका निर्माण आपका आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना युगीन चट्टानों से हुआ है, ठीक है। इसका जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन के कारण होता है, ठीक है, और लाल रंग जो होता है लोहे के कणों के ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है, यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड है उसके हाइड्रेशन से रंग पीला हो जाता है, यानी कि जल जो है वो निकलकर बाहर जा रहा है, ठीक है। मैंने पहले बताया मॉइस्चर के हटने से क्या होगा, वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन की प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है, ठीक है। इसमें चूने की मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन लीचिंग की प्रोसेस के कारण वनस्पतियों को जो चूना है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की भी कमी होती है, ठीक है, और इसका पीएच मान जो होता है 5.5 से 8.5 के आसपास होता है, यानी कि ये अम्लीय से क्षारीय, एल्कलाइन टू एसिडिक नेचर की भी हो सकती है। तो अगली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति सामान्यतः उदासीन होती है और फसलों के बारे में अगर हम बात करें तो गन्ने और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पर होती है ये, ठीक है, और ये मिट्टी जो है परतों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है, एलुवियल सॉइल इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। जैसे एक मैं आपको एक डायग्राम से बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं ये पूरा आपका स्थल वाला एरिया है, यहां पे बीच में कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब यहां ये जो स्थल वाला एरिया है अभी नदी केवल इतने वाले भाग में बह रही है, लेकिन जैसे जैसे यहां पानी का बहाव बढ़ता जाता है तो ये जो नदी है इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा, और अब नदी अपना दायरा बढ़ा देती है और नदी बढ़ना शुरू कर देती है यहां से, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हुआ कि आसपास जो जहां से नदी बह रही है वहां से वो क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी के कणों को बहाकर लाएगी, चट्टानों को तो बहाकर लाएगी, तो वो जो होंगे उसके डिपोजिशन से। अब यहां क्या हुआ, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण शुरू हुआ, जब बाढ़ खत्म होगी तो वहां पर मिट्टी वगैरह के जो अवशेष है वो जम जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, नई मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। तो ये जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि आपका चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये गंगा की घाटी का जो सीमांत प्रदेश है, ठीक, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले आते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है इसमें गेहूं, गन्ना और कपास, इसमें भी प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 3% क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। अगला है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी में हम देखते हैं कि लाल, पीली, काली सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः जो मोटे अनाज हैं, ठीक है, मोटे अनाजों का उत्पादन यहाँ पर मिश्रित मिट्टी में ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कार्बनिक पदार्थ जो किसी फसल की प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ मोटे अनाज अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं मिश्रित मिट्टी में। फिर मिट्टियों से संबंधित एक प्रॉब्लम है जिसे हम बात कर बोलते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। तो जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, हम किसे कहते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन,
मृदा अपरदन जो है मिट्टी की कटाव की प्रोसेस है, ड्रेनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी कि जल के द्वारा या हवाओं के द्वारा, ठीक है, जो मिट्टी है उसका कटाव ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। एक और टर्मिनोलॉजी है सॉइल डेप्लीशन, तो डिटेरियोरेशन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें जो कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल डेप्लीशन, मृदा अपरदन और मृदा ह्रास, ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी है। इसके प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहला जो कारण है एक तो है आपका डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ पौधे लगे हैं उन पेड़ पौधों को हम काट कर वहां पर जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं उसके कारण से भी सॉइल इरोजन होता है। दूसरा है ओवरग्रेजिंग, बहुत अधिक मात्रा में चारागाह जो होते हैं वहां पर जानवरों की चराई कराने से जो घास होती है वो हट जाती है, जब कभी रेनफॉल वगैरह होती है, हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो अपर लेयर जो होती है, फर्टाइल लेयर जो होती है वो हटने से उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तीसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूमकल खेती भी बोलते हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। अगला है विंड इरोजन, हवा के द्वारा वायु के द्वारा मिट्टी की अपर लेयर का हटना। और कुछ नॉन स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, एग्रीकल्चर की बहुत सारी ऐसी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा सॉइल इरोजन भी होता है, तो हमें खेती की अपनी बीजों को भी इंप्रूव करना है। तो कैसे हम कौन कौन सी मेथड्स होती है कि इनको इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो सॉइल इरोजन के कारण क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट है ये हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है आपका सीजन जो है उसमें चेंज होगा और वेजिटेशन को लॉस होगा। तो सीजन क्या होगा, ड्राई होगा, क्योंकि वेजिटेशन नहीं रहेगी तो सीजन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर ड्राई सीजन होगा, ठीक है। और वेजिटेशन होने से हम देखते हैं कि शुद्ध हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इससे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे, तो इसका वजह यही है सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन से क्या हो, वेजिटेशन की ग्रोथ रुक जाती है, वेजिटेशन की ग्रोथ से टेम्परेचर जो होगा वो अब इसी बात है बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की समस्याएं उपलब्ध होंगी, साथ ही साथ जो जल का सोर्स है वो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब पेड़ पौधे होते हैं तो वायुमंडल जब पानी गिरता है तो एक तो पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रहने का काम करती हैं, साथ ही साथ पानी को वो अवशोषित करके मिट्टी के अंदर रिचार्ज करती हैं, अंडर वाटर ग्राउंड लेवल जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है उसे रिचार्ज करती हैं। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज में भी पेड़ पौधों का वेजिटेशन का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि सॉइल इरोजन से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम होगा, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो रहा तो इरिगेशन के जो पानी की अवेलेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी, तो ये एक समस्या आएगी। फिर डाइवर्सन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम, यानी कि जो सिल्ट है उसका डिपोजिशन बढ़ जाएगा नदियों के किनारे, तो वहां पर बाकी सारी समस्याएं होंगी। फिर अगला है डिटोरिएशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जब सॉइल इरोजन हो रहा है चाहे वो विंड इरोजन से हो या हमारी की ओवरग्रेजिंग के कारण हो, अपर फर्टाइल लेयर जो होती है वो हट रही है। जब अपर फर्टाइल लेयर हट रही है तो अंदर क्या होगा, मिट्टी पत्थर होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, जिससे कि एग्रीकल्चर में कमी आएगी, और एग्रीकल्चर अगर लोग नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चरल लैंड में भी कमी आती है। इस तरीके से ये हार्मफुल इफेक्ट हमें सॉइल इरोजन के देखने के लिए मिलते हैं। तो हम आखिर सॉइल का कंजर्वेशन किस तरीके से करें, तो कुछ प्रोसेस हैं, जैसे एक तो कंटोर फार्मिंग, जो माउंटेनियस रीजन से वहां पर आप कंटोर फार्मिंग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है गली इरोजन, ठीक है, गली इरोजन या अवनालिका अपरदन एक तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी एक समस्या है, ठीक है। जो चंबल नदी है आपका वो मिट्टी का कटाव करते हुए वहां पर अवनालिका गली का फॉर्मेशन करती है, और ये जो गली फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, वहां पर खेती किसानी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अगर हम डेटा की बात करें तो आज 6 लाख एकड़ जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उसमें एक बहुत सारे खड्डों का फॉर्मेशन हुआ, रेवाइंस का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, जिससे जो चंबल वाला रीजन है, चंबल घाटी का रीजन, उसमें गली इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। फिर
इसको हम अगर कंट्रोल कर लें तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। फिर तीसरा है आपका बाई कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप्स एंड अनइवन एरियाज। जैसे माउंटेनियस रीजन में जो रनिंग वाटर है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पर नालियां बना सकते हैं, उसको रोक लेंगे तो जो स्लोप है वहां पर हम मिट्टी के कटाव को रोक पाएंगे, मिट्टी वहां पर आगे नहीं बहने पाएगी। ठीक, इस तरीके से भी हम वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन रूरल एरियाज। जो वन वाले क्षेत्र हैं वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों से मृदा का कटाव हो रहा है, तो हम क्या करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ग्रेजिंग लैंड हम बना पाए, चारागाह अगर हम वहां पर विकसित कर पाते हैं तो जानवरों को चराने के लिए हमें जब वनों में ही जाना पड़ेगा और उससे हमारी जो मिट्टी वगैरह है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एज ऑब्स्टेकल टू विंड इन डेजर्ट्स। ठीक, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर हम जितना से ज्यादा हो सके प्लांटेशन करें, क्योंकि जितना ज्यादा प्लांटेशन होगा हवा की रफ्तार, पेड़ पौधे जो होते हैं हवा की रफ्तार को रोक पाते हैं, जिससे क्या होगा कि पेड़ पौधे उखड़ने नहीं पाएंगे, मिट्टी और हवा की रफ्तार जब कम हो जाएगी तो मिट्टी को हवा बहा नहीं ले जाएगी। इससे क्या होगा कि जो रूरल डिजर्टेड एरिया है वहां पर सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेथड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें, ओवर ग्रेजिंग को कम करें, रूरल एरिया में ही हम ग्रेजिंग लैंड का डेवलप करके यहाँ पर इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पहले ही आपको बताया कि मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में सॉइल इरोजन एक गंभीर समस्या है, चंबल नदी के कारण जो बन रही है। ठीक है, इसमें नदी चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों के जितने दोनों किनारों पर गहरे गहरे खड्डों का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इससे गली का फॉर्मेशन होता है, जिसे इसमें जो मिट्टी की का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का सॉइल इरोजन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्रॉलिंग डेथ या रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, तेज जलधारा के कारण मिट्टी के को गहरा काटने को ही हम अवनालिका अपरदन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगले वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।